नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मनीफिट सामुदायिक भवन में रजक समाज का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अशोक रजक अध्यक्ष एवं विजय रजक कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। हम लोग का हर 5 वर्ष में समाज का चुनाव होता है, जो बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है। अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार हैं, श्री गोपाल रजक और श्री बीनालाल रजक, और कोषाध्यक्ष के 2 उम्मीदवार हैं, रुपेश रजक और रामजी रजक, और सचिव पद के केवल 1 ही उम्मीदवार थे, श्री नंदलाल रजक जी, जो निर्विरोध चुने। मतलब आज जो चुनाव हो रहा है 2 पदों के लिए हो रहा है, अध्यक्ष पद और कोषाध्यक्ष पद। अच्छा, इस चुनाव में समाज के रजक समाज के कहां कहां से लोग सहभागिता सुनिश्चित? जुगसलाई और बागबड़ा शाखा के ही लोग। शाखा जुगसलाई है, लेकिन एरिया टीटाडी, बागबड़ा, हरदपुर, जुगसलाई और आदिपुर के भी कुछ है। अच्छा, ये 2 पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में है। और मतदाता कितने हैं? मतदाता 137 है। 137। परिणाम कब घोषित किया जाएगा? शाम को 5 बजे। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार चौधरी है। मैं केंद्रीय जमशेदपुर रजक समाज के 11 प्रखंड का महासचिव हूं। हमारे हर विभाग में नियमित रूप से 3 साल में चुनाव होती है। मनीफिट ऐसा विभाग है जहाँ 4 पद का चुनाव होता है। यहाँ 180 सदस्य था, आज 99% आदमी लोग वोट दिए हैं। इसमें बलराम रजक लाइसेंसियर के रूप में जीते हैं, अध्यक्ष में अशोक रजक जीते हैं, और कोषाध्यक्ष में विजय कुमार रजक है, नए आए हैं, और हमारे क्या है और अशोक रजक, विजय रजक लाइसेंसियर जीते हैं, चलो जीते हैं। राजकुमार सचिव जी निर्विरोध हुए थे, वोटिंग करीब 99% वोट हुआ, 180 में 175 आदमी के वोट डाले हैं, मतदान डाले। जो वंचित हुए हैं वो आउट ऑफ स्टेशन है, मात्र 5000। परिचय, मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी हुआ, मैं जमशेदपुर रजक समाज का महामंत्री हूँ। 11 प्रखंड चलती है वर्तमान में, हम लोग बहुत संख्या में है मनीफिट में, हम लोग 180 आदमी रहते हैं, विलम्ब करते हैं, और इसमें क्या कर, ये लोग बच्चे लोग आए हैं, हम चाहते हैं समाज का विकास। अध्यक्ष पद पे जीते हैं, क्या समाज के लिए कार्य करेंगे, क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज को आगे बढ़ाना है और लोगों को साथ में लेके चलना है। और ये हम 3रा बार जीते हैं, 2016 से हम इस पद पे हैं, और इस बार भी जो है जनता का जो है आशीर्वाद मिला है और लोग मुझे चाहते हैं, और हम सबको कंधा से कंधा मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और सबको आगे ले जाना चाहते हैं। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।